हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। क्या आप भी मेडिकल कॉलेजेस का सिलेक्शन बिना कंपैरिजन किए करते हैं? क्या लो कॉस्ट एंड लो स्कोर पे जो कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन बनता है आप उनको बिना इवैल्यूएट किए सिलेक्ट करते हैं? क्या लीस्ट कट ऑफ पे जो कॉलेजेस अलॉट होते हैं वो सारे पुअरली रेटेड होते हैं? तो इस तरह की कई मिसकंसेप्शंस होते हैं आप सभी के मन में। जब भी मेडिकल कॉलेजेस का सिलेक्शन आप करें तो आप कोशिश करें कि इसे कंपेयर करें जो भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलते हैं। आप सभी को पता है कि आपके स्कोर पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट उनमें से आपको किसी एक कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है जो कि आपका एक केयरफुल डिसीजन होना चाहिए इसके ऊपर में, क्योंकि इसके ही ऊपर में आपका पूरा करियर बेस्ड आउट होता है। आगे की आपकी जो एक लंबी जर्नी है वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे किस तरीके से अच्छा डिसीजन लिया है आपके फ्यूचर के लिए। आज का ये जो टॉपिक है वो काफी यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको कंपेयर करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट होता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर में। तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब कॉलेजेस को आप कंपेयर कर रहे होते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से समझिए और देखिए कि कैसे बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं आप, जो एक लिमिटेड ऑप्शंस भी होते हैं उनके बीच में भी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने आप को एम्पावर करिए बेहतर डिसीजंस के लिए। आइए केस स्टडी से समझते हैं कि कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। तो टॉपिक है हमारा कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट मेडिकल कॉलेज एट ए गिवन स्कोर, यानी कि आपके स्कोर पे जो सबसे बेहतर कॉलेज है उसका चयन कैसे करें। मार्क्स का जो मैंने रेंज रखा है वो बिलो 200 का है और बजट मैंने जो रखा है वो बिलो 80 लाख का। बजट आप बढ़ाएंगे तो ऑप्शन आपके पास में और भी एड होते चले जाएंगे। यहाँ पे जो तीन स्टेट का ऑप्शन आपके पास में आ रहा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। इन तीनों स्टेट में बिलो 80 लाख में आपके पास में ऑप्शंस मल्टीपल हैं। अब देखिए कैसे कैसे ऑप्शंस स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया। उत्तर प्रदेश में वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज जो कि शाहजहांपुर में, यहाँ की टोटल बजट है 66 लाख रुपीज और जो कट ऑफ रहा था 2022 में 103 का। वहीं पे दूसरा कॉलेज है वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज जो कि गजरौला में है, यहाँ पे 61.67 लाख का बजट रहा था और 150 मार्क्स पे यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी आखिरी। बिहार में राधा देवी मेडिकल कॉलेज को बहुत लेट एफिलिएशन मिला, क्योंकि पहले बैच जो स्टार्ट हुई थी 2021 में उस समय इनकी एफिलिएशन को रद्द कर दिया गया था, तो 2022 में बाद के राउंड में जब इसे इंक्लूड किया गया, यानी कि मापअप राउंड में जब इसे इंक्लूड किया गया तो उस समय बहुत ही लो कट ऑफ पे, यानी कि इवन कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चों को भी ये सीट मिली और जो बजट रहा 69.25 लाख। इस साल 2023 में इस कॉलेज की फीस को कम कर दिया गया है, बट ये अभी क्लियर नहीं है कि बाकी एक्सपेंसेस में किस तरीके का कंट्रोल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, तो वो बाद में क्लियर होगा, बट एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर के हिसाब से 69.25 लाख का बजट रहा था। अगला कॉलेज जो बिहार में अलॉट हुआ वो श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा, जो कि 72 लाख का बजट है, वहां पे 195 मार्क्स पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये कॉलेज अलॉट हुआ था। अगला स्टेट है हरियाणा, जहाँ पे एनसी मेडिकल कॉलेज और अल्फला, ये दो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है। एनसी मेडिकल कॉलेज की जो टोटल बजट है वो 76,90,000 की है और 190 मार्क्स पे यहाँ पे सीट अलॉट हुई थी। हरियाणा में अगला कॉलेज है अल्फला, यहाँ पे 78.52 लाख का बजट है और 173 मार्क्स पे ये कॉलेज अलॉट हुई थी। तो अगर इस शीट को देखेंगे आप तो अलग अलग स्कोर में अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि सबसे अच्छा जो डिसीजन रहा है वो ये था कि 150 मार्क्स पे 61.67 लाख पे वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज जिसने ऑप्ट किया उनके लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छा ऑप्शन निकल करके आया। और साथ ही में वरुण अर्जुन जिन्होंने ऑप्ट किया बहुत ही लो स्कोर पे, उन्होंने भी बहुत सही डिसीजन लिया और उनको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे उनको मिला है। तो ये सब कॉलेजेस के बीच में अब आपको कैसे पता चले कि इनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये कॉलेज कंपेरिजन है जहां पे मैंने जो पैरामीटर लिया है वो है एकेडमिक ग्रोथ का, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस कैसी है कॉलेज के कैंपस के अंदर में, पेशेंट इन्फ्लो कैसा है, कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशंस कैसी है, स्टूडेंट का फीडबैक क्या है और ओवरऑल रेटिंग इनकी क्या है। और ये जो कंपैरिजन है ये मैं आपको बता रहा हूँ इस बेसिस पे क्योंकि हमने कॉलेज को विजिट किया है और कॉलेज को देखा है, समझा है और तब जान पाए हैं हम कि कॉलेज के बीच में क्या गैप्स हैं और किस हिसाब से कॉलेजेस को हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में अगर एकेडमिक ग्रोथ की बात करें तो ये और वेंकटेश्वरा दोनों कॉलेज में एक अच्छा फीडबैक मिला स्टूडेंट्स की तरफ से कि पिछले 2 साल में कॉलेज में एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है एकेडमिकली। तो यहाँ पे 3.5 का रेटिंग इस कॉलेज को मैं दे रहा हूँ
आउट ऑफ फाइव अगर इन कॉलेज के बीच का ही सिर्फ कंपैरिजन ले सकते हैं। अभी हम इन कॉलेज को टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3.5 का रेटिंग एकेडमिक ग्रोथ पे, वही अगर वरुण अर्जुन को इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के हिसाब से अगर रेट किया जाए तो 3.5 का रेटिंग वहां पे। पेशेंट इन्फ्लो भी यहां पे काफी इंप्रूव किया है, 3 स्टार में वहां पे दे रहा हूं। कनेक्टिविटी पुअर है क्योंकि हाईवे पे लोकेटेड है, तो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को, तो ये एक चैलेंज है इस कॉलेज के अंदर में। स्टूडेंट का फीडबैक ये है क्या कि कॉलेज में ओवरऑल डेवलपमेंट तो दिख रही है, बट उनको लिविंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। तो उनका कहना है कि सिटी एरिया से दूर है, जिसके वजह से उनको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। बट उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव चॉइस भी नहीं था, क्योंकि हमें MBBS करना था और हमारे बजट के हिसाब से, हमारे स्कोर के हिसाब से एकमात्र ये कॉलेज का ऑप्शन उनको बेहतर नजर आ रहा था। तो देखिए ओवरऑल जो रेटिंग है इस कॉलेज की 3.2 है। वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक में 3.5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस में 3 पे दे रहा हूं यहाँ पे, पेशेंट इनफ्लो 3, कनेक्टिविटी यहाँ पे भी सेम इशू है, ये भी हाईवे पे लोकेटेड है और आसपास में आपको नियरली 3 to 4 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे आप एक रिफ्रेशमेंट जैसे रेस्टोरेंट हो या फिर एक बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट हो, तो वो सब चीजों के लिए आपको एक्सेस करने के लिए इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। स्टूडेंट का फीडबैक यहाँ पे भी यही था कि कॉलेज में एक अच्छा डेवलपमेंट उनको दिखा है। कई इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बताया कि यूपी में है जहां पे उनके और भी फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं, और जो कॉलेजेस एक वेल सेटल्ड कॉलेज माना जाता है और जहां पे लोकेशंस और कनेक्टिविटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन कॉलेजेस में स्टूडेंट का जो फीडबैक उनको मिला है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है, और उनको यही लगा कि उन्होंने वेंकटेश्वरा अगर ऑप्ट किया है तो एक उन्होंने सही डिसीजन लिया आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल दिस थिंग। तो ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे 2.9 है, अभी कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे कनेक्टिविटी वगैरह में तो आप अभी गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन मत करिए कि अगले 1-2 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, बट हाँ आने वाले टाइम में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगी। अब राधा देवी की बात करें तो एकेडमिक ग्रोथ में अभी इनिशियल स्टेज है, तो बहुत ज्यादा फीडबैक आपको इम्प्रेसिव नहीं नजर आएगा, क्योंकि अभी फैकल्टी शॉर्टेज वगैरह का एक इशू है जो कि अभी उनको फेस करना है और रिजॉल्व भी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एवरेज रेटेड है, पेशेंट इनफ्लो थोड़ा मैं बोलूंगा क्योंकि एक इनिशियल स्टेज में जो कॉलेज होते हैं उनमें एक पेशेंट इनफ्लो जो दिखता है उसके हिसाब से कुछ पेशेंट्स अभी नजर आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ आपको 100-150 या 200 पेशेंट्स आपको दिख जाएंगे कॉलेज के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में। कनेक्टिविटी काफी अच्छी क्योंकि सिटी एरिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और मुजफ्फरपुर में आपको कनेक्टिविटी का इतना दिक्कत नहीं होगा, रेल कनेक्टिविटी, बस वगैरह आपको ऑप्शंस मिलेंगे। स्टूडेंट का फीडबैक अभी 2.5 है, यानी कि एक तरह से बोलूंगा कि बिलो एवरेज रेटिंग है। ओवरऑल 2.7 का रेटिंग यहाँ पे आ रहा है। श्री नारायणा में 2.5 एकेडमिक ग्रोथ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोलूंगा कि बेटर है राधा देवी से, लेकिन पेशेंट इनफ्लो बहुत ही पुअर है अभी एट दिस मोमेंट, अभी इनको काफी एफर्ट लगाना होगा, यहाँ पे 1 स्टार। कनेक्टिविटी सहरसा में आपको आराम से इस कॉलेज से आप कम्यूट कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन या फिर नियर बाय ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट का फीडबैक यहाँ पे अभी ओवरऑल 2.5 है, यहाँ पे ये भी बिलो एवरेज है। ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे 2.6 की है। एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत में एकेडमिक ग्रोथ अच्छी हुई है, 3.5 यहाँ पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस पे 3 स्टार में बोलूंगा। पेशेंट इनफ्लो यहाँ पे भी काफी वीक है क्योंकि जहां पे कॉलेज लोकेटेड है वहां पे आपको आसपास में कुछ भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो लोग यहाँ पे पेशेंट का जो मैं बोलूंगा कि जो इनफ्लो है वो यहाँ पे उस हिसाब से नहीं बन पाया है। अब उम्मीद करते हैं क्या कि मैनेजमेंट इसके ऊपर में जरूर सोच रही हूँ कि कैसे इसे बढ़ाया जाए। कनेक्टिविटी 2.5 रेटिंग है। स्टूडेंट का फीडबैक एक ओवरऑल उन्होंने कहा क्या कि हम फिर भी खुश है क्योंकि हमारी पढ़ाई यहाँ पे ठीक हो रही है। ओवरऑल यहाँ का रेटिंग है 2.6। अल्फाला में कुछ सब्जेक्ट में फैकल्टीज अच्छे मिले हैं स्टूडेंट्स को, तो कुछ फैकल्टीज में बहुत ज्यादा उनको शिकायत है जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनको रिप्लेस किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस पे उनका फीडबैक यही है कि इसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो ये काफी इश्यूज है। हॉस्टल के रूम्स के ऊपर में काफी कंप्लेंट स्टूडेंट्स ने बताया। पेशेंट इनफ्लो में ओपीडी में आपको पेशेंट्स का जो फीडबैक मिला है वहां पे देख करके वो यही क्या कि पेशेंट इनफ्लो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ठीक है, बट IPD यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो है वहां पे काफी वीक है। कनेक्टिविटी 3 स्टार में दे रहा हूँ। स्टूडेंट का फीडबैक 2 है यहाँ पे स्टार, यानी कि पुअरली रेटेड उनके अकॉर्डिंग है ये कॉलेज। तो ओवरऑल 2.5 स्टार यहाँ पे इस कॉलेज को मिला है। तो अगर आप देखेंगे इन सारे ऑप्शंस में जो सबसे बेहतर ऑप्शन जो 2 निकल करके आ रहा है वो है वरुण अर्जुन और दूसरा कॉलेज है वेंकटेश्वरा। तो अगर आपके स्कोर पे इन सारे ऑप्शंस में अगर मिलता है तो आप इन 2 कॉलेज को जरूर प्रेफरेंस में हायर ऑर्डर पे रख करके चलिए, और काउंसलिंग को बेहतर तरीके से प्लान करिए, तो जाकर के आप
एक सही कॉलेज का चयन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से कॉलेजेस का चयन करना चाहिए और आप भी अपने कॉलेज का सही सिलेक्शन इन पैरामीटर्स के बेसिस पे करके आप आगे अपने कॉलेज को सेलेक्ट करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।